अगली खबर का रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों की संख्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके पाटन विधानसभा क्षेत्र के किसान आवारा मवेशियों से बेहद परेशान हैं। सभी किसानों ने 15 अगस्त तक मवेशियों की समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। अगर प्रशासन ने 15 अगस्त तक समस्या का समाधान नहीं किया तो 16 अगस्त को सभी किसान मवेशियों के साथ एसडीएम दफ्तर का घेराव करेंगे। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ये समस्या पूरे प्रदेश में है, ऐसे में संभव है कि अन्य स्थानों में भी इस आंदोलन का विस्तार हो। भूपेश बघेल ने सीजीपीएससी को लेकर छापामारी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतने समय के बाद सरकार को छापामारी का ध्यान आ रहा है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुट्टे जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुट्टे जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। एक राष्ट्रीय समस्या है और इसके निदान के लिए जब हम लोग सरकार में थे तो गौठान का निर्माण किया था, मुख्य उद्देश्य फसल को बचाना और दूसरा गौवंश को बचाना। आज कर रहे हैं तो ये तो केवल दिखाने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में मैंने पूछ लिया था क्या कार्रवाई की, मेरा प्रश्न भी लगा था उसमें क्या कार्रवाई की, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ करने है भी नहीं, पूछताछ करेंगे क्या। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग आरोप भर लगा देते हैं, अब आरोप लगा दिए हैं, अब सरकार इनकी बन गई है तो कुछ न कुछ तो करते दिखना चाहिए।